गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज दृष्टि। कैसे आप सब, केम छो का सक्का है। तो आज देख रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में देखेंगे सब कुछ स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, कहाँ से आया, कहाँ पे यूज करना है, फॉर्मूला कितने हैं, किधर एप्लीकेबल है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एक बार ये समझ में आ गया ना, सिर्फ उसके बाद तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज और आंसर निकालना है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे ना प्लस माइनस को लेके, तो बिलीव मी फुल मार्क्स स्कोर करने के बिल्कुल चांसेस है। तो आज सब बेस समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। उसके लिए फिर नोट दिस चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते जाएंगे एंड अच्छे लग रहे हैं वीडियोज, तो जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे तुमको ऐसे यूजफुल पीडीएफ्स, अनाउंसमेंट्स इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे। आई होप ज्वाइन कर लिया रहेगा। चलिए देखते हैं आखिर ये स्लोप क्या होता है। स्लोप समझने के पहले ना हमें छोटा सा कंसेप्ट देखना है, आखिर ये इंक्लिनेशन लाइन का होता क्या है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या है। अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन समझने के लिए इंक्लाइंड लाइन क्या है वो पता होना चाहिए। चलो कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस। हमने दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए उनके बीच का एंगल हम 90 ले रहे हैं, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है। तो थ्रू आउट योर सिलेबस तुम दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री कंसिडर करने वाले हो। अब लाइन की बात करते हैं, चलो एक लाइन कंसिडर करते हैं। क्या ये लाइन का कोई स्पेशलिटी है? हाँ है। क्या? अरे ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर मैंने ये लाइन की बात की तो ये लाइन भी तो वाई एक्सिस को पैरेलल है ना। ओके, व्हाट अबाउट दिस लाइन? ये लाइन ना एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना वाई एक्सिस को पैरेलल है, क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। सो इंक्लाइंड लाइन मतलब क्या? थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, मतलब वो ना एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा ना वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ओके, ये हो गया इंक्लाइंड लाइन। अब इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करते हैं कोई भी लाइन का? इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है पता है? इट इज जस्ट अ सिंपल सा एंगल जो कोई भी लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। बट एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस पूरा है ना, एक्स एक्सिस के ये वाले राइट वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट वाले को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारा जो लाइन है वो ये वाले डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। सो व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन इज जस्ट एन एंगल कौन बना रहा है? अपना लाइन। किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। उल्टा कंसिडर किया तो इट इज नॉट इंक्लिनेशन। क्यों? फिर वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ओके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल अपना लाइन बना रहा है उसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। थ्रू आउट द चैप्टर हमें ग्रीक लेटर उसको असाइन कर रहे हैं, मतलब हम उसको अब से बोलेंगे थीटा। तो अब थीटा क्या है? इट इज नथिंग बट इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। एक बार इतना समझ में आ गया ना कि इंक्लिनेशन कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, इट इज सिंपली एन एंगल जो अपना लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो स्लोप को समझना और फाइंड करना बहुत ज्यादा ईजी है। देखते हैं स्लोप होता क्या है। स्लोप इज नथिंग बट मेजर ऑफ स्टीपनेस। तो अगर मेरे पास एक लाइन है तो कितना स्टीप है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप का फंडा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं ट्रेकिंग पे गई हूं, मुझे ना दो माउंटेन्स का ट्रैक करना है। दिस इज माय माउंटेन ए एंड दिस इज माय माउंटेन बी। कौन सा माउंटेन का ट्रैक करना इजी है? ऐसे माउंटेन का ट्रैक करना इजी होता है ना जो ज्यादा स्टीप ना हो, ठीक है। एकदम स्टीप माउंटेन रहेगा तो उसको धीरे 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 चढ़ना होता है। कम स्टीप रहेगा तो उसका ट्रैक हम इजीली कर सकते हैं। अब मुझे ना ये सिचुएशन देख के बताओ कौन से माउंटेन का ट्रैक करना इजी है? या ऑब्वियसली ए। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन है ना ज्यादा स्टीप नहीं है, ऐसे इजीली क्लाइंब करके आई कैन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, करेक्ट। उसी वे में अगर मुझे बी को क्लाइंब करना है तो मुझे टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ए और इसको कंपेयर किया तो ये थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा स्टीप है। ओके, ऐसा स्टीप रहेगा तो मुझे धीरे 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 उसको क्लाइंब करना होगा, देन आई कैन फाइनली रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, करेक्ट। तो इससे मुझे क्या पता चला? ए माउंटेन है ना बी से कम स्टीप है। अगर ए बी से कम स्टीप है, ओके, तो अगर हमने स्लोप के लैंग्वेज में बात की तो किसका स्लोप ज्यादा रहेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बी का स्लोप ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या है? मेजर ऑफ स्टीपनेस। स्टीपनेस ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा रहेगा, स्टीपनेस कम है तो स्लोप कम रहेगा।
अच्छा, अब स्टीपनेस मतलब क्या? स्टीपनेस मतलब क्या, कितना ज्यादा टिल्टेड है। जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं दो लाइंस कंसीडर कर रही हूँ, ये मेरा लाइन है ए, ओके, एंड ये वाला लाइन है मेरा लाइन बी, ओके। तो मुझे डायग्राम दे के बता कौन ज्यादा टिल्टेड है, कौन ज्यादा स्टीप है। ए ज्यादा स्टीप है ना, करेक्ट। अगर ए स्टीप है तो किसका स्लोप ज्यादा रहेगा? यस, ए का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी का स्लोप। अब ये जो स्लोप है ना, इसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग लेटर एम। तो अगर मैं ए की बात करूं तो मैं बोलूंगी स्लोप किसका, ए का, तो दिस इज स्लोप ऑफ ए। ए का स्टीपनेस ज्यादा है बी से, तो ऑब्वियसली उसका स्लोप किससे ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी से। तो आई कैन से स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। अब मैंने इंक्लिनेशन पढ़ा, तो इंक्लिनेशन का कहां पे यूज हो रहा है? देखो, अगर मैंने ना ए के इंक्लिनेशन की बात की, इंक्लिनेशन मतलब क्या, एंगल है जो अपना लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये लाइन है, करेक्ट, ये एक्स एक्सिस को इधर मिल रहा है, तो राइट वाला साइड विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लिनेशन फॉर एंगल ए। तो यहाँ पे मैं थीटा ए लिखूंगी। सेम वे में अगर मैं बी की इंक्लिनेशन की बात करूं, बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसको हम बोलेंगे थीटा बी, क्योंकि इंक्लिनेशन है ये बी का। मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा एंगल ज्यादा रहेगा? ये ही ज्यादा लग रहा है ना, ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। सो कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं? अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, इंक्लिनेशन कम है तो इस लाइन का स्लोप कम रहेगा। ओके, इंक्लिनेशन ज्यादा स्लोप ज्यादा, इंक्लिनेशन कम स्लोप कम। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन ज्यादा है तो स्टीपनेस ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है। इंक्लिनेशन कम है तो स्टीपनेस कम है तो स्लोप भी कम रहेगा। आई होप इतना तुमको बिल्कुल क्लियर है। ये जो स्लोप है ना, जिसको हमने नाम दिया है m, इसको फाइंड करने का और एक भी है। कैसे? स्लोप इज नथिंग बट रेशियो ऑफ राइज एंड रन। है राइज एंड रन, ये क्या होता है? कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने एक लाइन लिया, करेक्ट, इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप मतलब क्या? राइज अपॉन रन, राइज और रन का रेशियो। उसके लिए ना लाइन के ऊपर का कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। मान लो मैं ले रही हूँ ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ना अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, पहले मुझे राइज करना है फिर रन करना है। मान लो तुम खड़ा है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, तुम ए पॉइंट पे खड़ा है, तुमको बी तक पहुंचना है, तुमको नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तुमको राइज करना है। आई डू ए से मैंने राइज किया, उसके बाद मुझे बी तक पहुंचने के लिए रन करना है, तो मैं क्या करूंगी, इधर से बी तक पहुंचने के लिए आई विल रन। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करो, वो लाइन के ऊपर का कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले तुम राइज करोगे, राइज करके यहां तक पहुंचे, फिर इधर से रन करोगे एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रीच पॉइंट बी। तो ये एक अलग मेथड है स्लोप फाइंड करने का। अब इस स्लोप का आंसर मतलब क्या आएगा, बेसिकली एक नंबर आने वाला है तुमको, ठीक है। क्या ये स्लोप पॉजिटिव हो सकता है? यस, ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस का, ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हेल्प लेंगे। अगर दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव है तो आंसर भी रहने वाला है पॉजिटिव। सो इन दिस केस तुमको जो आंसर मिलने वाला है स्लोप का, वो बिल्कुल रहने वाला है पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है रेड वाला लाइन, इसके ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स मार्क कर लो। मैंने ये वाला पॉइंट लिया और मैंने ये वाला पॉइंट लिया, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। स्लोप फाइंड करना है, राइज रन, राइज रन, ओके। तो यहां से हम राइज करेंगे, फिर क्यू तक पहुंचने के लिए वी आर गोइंग टू रन, करेक्ट। राइज मतलब उठ रहे हो, रन मतलब उस डायरेक्शन में भाग रहे हो। अब राइज फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूज करूंगी, ये वाला रन फाइंड करने के लिए इधर नीचे मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस यूज कर लेने वाली हूँ। तो इन दिस केस मेरा राइज तो पॉजिटिव रहेगा, जो मेरा रन है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विल गिव मी नेगेटिव आंसर। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखना एक इंटरेस्टिंग सी बात, अगर मैंने एक ऐसा लाइन लिया, हाँ ये इंक्लाइंड लाइन है, नहीं बिल्कुल करेक्ट। ये लाइन क्या है? ये एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब अगर इसका स्लोप फाइंड करना है तो इसके ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। मैंने ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लिया।
अब अपना फंडा क्या था, राइज एंड रन, बट यहाँ पे राइज तो करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ भागना है ए से बी की तरफ। सो इन दिस केस तुमको राइज जीरो मिल रहा है, रन तो करना है बट राइज करना ही नहीं, तो राइज का वैल्यू जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है, मतलब हम बोलेंगे कि पूरा फ्रैक्शन जीरो है। तो तुमने ऑब्जर्व किया कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप जीरो होता है, सेम वे में अगर एक्स एक्सिस का ही स्लोप फाइंड करोगे तो वो भी जीरो रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर भी कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है। राइज तो करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रन करना है। राइज मतलब क्या, अगर दो पॉइंट्स ऊपर नीचे होते ना तो पहले हम उतना ऊपर जाते फिर भागते, यहाँ पे तो दोनों ऊपर नीचे नहीं है ना, तो हमको राइज नहीं करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो इन दैट केस अगर राइज जीरो है तो स्लोप जीरो रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑल्सो जीरो। अब बात करते हैं एक लाइन की जो मेरे वाई एक्सिस को बिल्कुल पैरेलल है, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स ले लो इसके ऊपर ए एंड बी। अच्छा, अब मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो सिर्फ मुझे राइज करना है, करेक्ट। राइज किया तो फिर रन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने सीधा ऐसा राइज किया तो मैं बी तक पहुंच जाऊंगी। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, रन नहीं करना पड़ रहा है, मतलब रन जीरो है, करेक्ट। तो राइज अपॉन जीरो, आई होप यू नो अगर कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो है तो उसका वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड, इसका वैल्यू रहता है अनडिफाइंड, यू कैन ऑल्सो कॉल इनफाइनाइट। सो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड एन डी, एंड अगर तुमने सेम वे में वाई एक्सिस का भी स्लोप फाइंड किया, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो ए और बी, इसका स्लोप फाइंड करना है तो सिर्फ राइज करना है, राइज ही करोगे तो बी तक पहुंच जाओगे, रन करने की जरूरत नहीं है, रन करने की जरूरत नहीं है तो रन जीरो है, and that is the reason slope is not defined. So to conclude everything, slope को denote करते हैं m से, okay? अगर inclination ज़्यादा है तो slope ज़्यादा होता है, inclination कम है तो slope कम है। slope of x-axis रहता है zero, या कोई भी एक line है x-axis को parallel है तो slope zero रहेगा। अगर y-axis की बात करोगे तो उसका slope रहता है not defined, okay? या तो तुम बोल सकते हो slope of any line parallel to y-axis is not defined. अब ये लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो मैंने पहले से इसके ऊपर दो पॉइंट्स लेके रखे हैं, अब क्या करेंगे, राइज एंड रन। राइज करते हैं तो चलो मैंने राइज किया एंड देन आई हैव टू रन, सो मैंने रन किया। ये दोनों के बीच का एंगल इफ यू सी इज 90 डिग्री। सेम वे में ना यहाँ पे ये वाला राइज है ना, तो ये राइज अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, अगर ये राइज 3 था तो ये भी 3 रहेगा, अगर ये रन मैंने 5 लिया तो यहाँ पे भी तो 5 आएगा, क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल टाइप कंस्ट्रक्ट किया। ये रन 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये राइज 5 है तो ये भी रहेगा, ओके। अब मैं ना यहाँ पे ना ये वाले एंगल की बात करी, इसको अभी के लिए नाम थीटा दे रहे। हाँ, तुम बोलोगे थीटा इंक्लिनेशन था, आई नो थीटा इंक्लिनेशन था, इसको भी हम थीटा बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली ना, ये वाला लाइन और ये एक्स एक्सिस बिल्कुल एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल लाइन है तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या, बहुत डिटेल में ये वाले वीडियो में डिस्कस किया, तो एक बार देख लेना, पूरे अल्जेब्रा ज्योमेट्री में यूजफुल रहने वाला है। ये और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो ये थीटा है ना, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ओके। अब स्लोप का फॉर्मूला तो मुझे पता है, राइज अपॉन रन। तो अगर मैंने इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात, ये राइज है, करेक्ट, ये राइज है तो ये राइज है, ये रन है तो ये रन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में बात की, ये जो राइज है ये थीटा के लिए अपोजिट साइड है ना, ये थीटा है, ये 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, तो थीटा का एग्जैक्टली अपोजिट ये वाला राइज है, तो ये एक्चुअली हो गया उसका अपोजिट साइड, ओके। और अगर मैंने रन की बात की, रन उसके बाजू वाला साइड है, बाजू वाला मतलब हो गया एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। एंड अगर ट्रिगो आता है थोड़ा सा भी तो मुझे बता देना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट गिव्स यू विच रेशियो, करेक्ट, इट गिव्स यू टैन का रेशियो, टैन ऑफ सम एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल है, थीटा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया टैन थीटा। इसका मतलब अगर तुमको स्लोप फाइंड करना है, इंक्लिनेशन पता है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा पता है, तो सीधा उसका टैन ले लो, तुमको आंसर आ जाएगा स्लोप का। तो स्लोप का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया है, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन वाला एंगल। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब तुम्हारे पास इंक्लिनेशन वाला एंगल है, अगर इंक्लिनेशन पता है तुम्हें तो तुम डायरेक्ट उसका टैन वैल्यू ले लो, तुमको स्लोप आएगा, ठीक है। अगर नहीं पता, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, जैसे अगर मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर के दो पॉइंट्स है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है,
ये है ए, ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो इन दिस केस अगर तुमको ये वाले लाइन मतलब लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे y2 मतलब b वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिया था, इधर भी b वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले लो, मतलब इधर आएगा x2 माइनस x1। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब इंक्लिनेशन एंगल पता है। सेकेंड वाला कब यूज करोगे? अगर तुम्हारे पास वो लाइन जो है ना उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, y1 x1 y2 x2 पता है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पे सिली मिस्टेक कहाँ पे होता है पता है? इधर तुमने y2 मतलब बी का y पहले लिया, बट नीचे तुमने x1 मतलब a का कोऑर्डिनेट पहले लिया, तो तुमको साइन गलत आएगा। साइन गलत है मतलब आंसर गलत है। मतलब अगर तुम b का y कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हो यहाँ पे, तो नीचे भी b का ही x कोऑर्डिनेट पहले लो, ठीक है? तो फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोल दो, सेकंड वाले को x2 y2 बोल दो। ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सिंपली वैल्यूज पुट करना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो अभी तक हमने स्लोप के लिए दो फॉर्मूला पढ़ ली और यही दो फॉर्मूला बार बार हम यूज करने वाले। एक छोटा सा ना क्वेश्चन आंसर करना, अगर मेरे पास है ना दो पैरेलल लाइंस है इस तरीके से, दोनों ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45-45 का एंगल बना रहे, ए और बी दूसरे को पैरेलल है, बराबर पैरेलल है तो इंक्लिनेशन सेम रहेगा। तो अगर मैंने स्लोप फाइंड किया, इसका स्लोप मुझे 1 मिला, इसका भी तो tan 45 दैट इज 1 ही मिलेगा ना। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनका इंक्लिनेशन सेम है, इंक्लिनेशन सेम है तो बिल्कुल स्लोप्स भी सेम रहेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। इतना सब होने के बाद एक लास्ट सा नोट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, डिटरमाइन कि ये तीन जो पॉइंट्स मैंने दिए है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, क्या ये कोलिनियर है? अब मुझे बताओ कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है अगर ये तीनों पॉइंट्स ओके सेम लाइन पे लाए करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। अगर इसको मैंने नाम दिया ए बी एंड सी, ओके अब ये स्लोप का फंडा यूज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं कोलिनियर है कि नहीं। कैसे? अगर मैंने ना ए बी का स्लोप निकाला, ठीक है, ये वाले लाइन ए बी का स्लोप निकाला, फिर मैंने लाइन बी सी का स्लोप निकाला, अगर दोनों का स्लोप इक्वल है एंड तुमने दोनों जो सेगमेंट्स का स्लोप निकाला उसमें एक चीज अगर कॉमन है, जैसे यहाँ पे बी कॉमन है, ओके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो तुम बोल सकते हो कि यस ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो अभी से अगर कोई भी क्वेश्चन आया चेक वेदर दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या करोगे? पहले दो पॉइंट्स को लेके स्लोप फाइंड करो, बाकी के दो पॉइंट्स को लेके स्लोप फाइंड करो, ठीक है? अगर स्लोप इक्वल आया उसके बाद सेकेंड चीज देखना, एक तो पॉइंट उनके पास कॉमन रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी कॉमन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो लास्ट में लिख दो कि यस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये सेकंड कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर मेरे पास ये वाला लाइन है लाइन एल, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लाइन है लाइन एम, दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल रहेगा। क्या इनके कोई भी दो पॉइंट्स कॉमन है? कॉमन नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है, इसलिए हमें चेक करना है कि कॉमन पॉइंट है कि नहीं। सिर्फ स्लोप इक्वल होने से काम नहीं होता है, स्लोप इक्वल है एंड दोनों के पास कोई एक पॉइंट कॉमन है तो तुम बोलोगे कि यस तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आई होप तुमको सब बेसिक सच समझ में आ गया रहेगा, इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या है, कैसे फाइंड करना है, उसके कौन से दो फॉर्मूला है, वो दो फॉर्मूला कब यूज करना है, एक्स एक्सिस का स्लोप, वाई एक्सिस का स्लोप, या लाइंस अगर उनको पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, एंड अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनका स्लोप इक्वल रहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर तीन पॉइंट्स है तो कोलिनियर है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग गिव इट अ थम्स अप, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम सब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 के। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, कीप लविंग प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉयिंग मैथ्स। एडियोस अमिगोस, थैंक यू।